डेस्क पे दे, चला दिराश जाता दिराश तो तो नहीं बहुत तो कर्जा हो जाता उसके ऊपर अच्छा। सब, कुछ, सब कुछ कर दिया था अपना और दूसरा याद रखो देखो हार्ड वर्क के आगे ना सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है

ये हमारा बैट लगाओ लगाओ या उसके कोई एक्शन कि आज तक 90 टच नहीं, 90 नहीं हुआ तो अब आगे आगे क्या होगा आगे और, हो उस हो और मतलब उसकोडेंसिफॉल्टी सुनो, सुनो, तो नीरज का देखा ना जो मैंने के देखा मैं एक छोटा बड़ा खिलाड़ी जज कर सकता हूँ कि भैया नीरज के और

पाकिस्तान ने सिर्फ सात एथलीट भेजे सिर्फ सात खिलाड़ी भेजे जिसमें से सिर्फ टिकट इसकी दी थी अर्षद नदी में टिकट दी थी, थी बाकी छह अपने खर्चे पे गए अच्छा और साथ में एक गोल्ड जीतना मतलब भाई बहुत बड़ी बात है बिल्कुल और हमने पता है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी करोड़ रुपए हमारे सारे खिलाड़ियों जितना ओलंपिक दल गया था और हमारे मेडल छे आए हैं टू नाइन सेवन जीरो करोड़ हाँ टू नाइन सेवन जीरो ओलंपिक की तैयारियों पे चार साल में सब कुछ मिला एक सिल्वर और बाकी सब ब्राउन तो देखो बाकी कई हम क्या के मेडल के बहुत पास पहुंचे बहुत हाँ बैडमिंटन में बहुत में शूटिंग लक्ष्य तो, मनी, तो, तो तो जीता मनी का कई 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 हम क्या था कि हमारे मेडल थोड़े से मिस हो गए दूसरी बात अगली बार आएंगे मगर मैं कह रहा हूँ सेम तैयारी सेम फैसिलिटी सेम सब कुछ मिलता रहा ना तो जो भी 12 साल के बच्चे हैं ना दो हजार छत्तीस ओलंपिक में हम टॉप टेन में होंगे अगर ओलंपिक यहाँ पे होता अच्छा अब जेवलिन की हम बात कर रहे हैं अभी पैरालंपिक्स में जेवलिन में गोल्ड मिला आपने वो देखा वो जो नवदीप ने जो 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 जिस तरीके से उन्होंने देखा है, वो देखा नवदीप 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 ने देखा, की जो ने वो 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 की बोला सुना, सुना आपने, तो, और एक्चुअली क्या था 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 कि वो उनका जो उनको मिला था, सिल्वर मिला सिल्वर बाद में प्रमोट हुए थे जो ईरानी जो जो गोल्ड जीते थे उन्होंने कुछ गलत यूज किए नवदीप की तो एनर्जी अलग ने लेकिन अर्षद की बात है वो लड़का भी बहुत हम्बल है और बड़ा मतलब उसने तो मेहनत तो करी शरीफ भी था बड़ी सिंसेरिटी से मेहनत करी है देखो मैं और इंपॉसिबल चीज उसने ऑलमोस्ट <coughs> कर दी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जहां सपोर्ट नहीं था उसके लिए Let's be really honest. और नीरज जैसे प्लेयर को जो ओलंपिक गोल्ड <coughs> मेडलिस्ट था जो डोमिनेट कर रहा है उसको एक मार्जिन से हरा देना वेरी बिग अचीवमेंट

क्योंकि क्या है कि उसकी एज भी थोड़ी ज्यादा है मगर उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ताकतवर इतना है, उसके में बहुत दम है और ही इज वेरी हम्बल और पहला पाकिस्तान में गोल्ड आया हो आज तक जैसे अपना इंडिया में अपना इंडिजुअल पहले आ गया था पाकिस्तान में पहला आया हो तो क्या है कि वो लड़का वो सारी चीज जो उसको सम्मान मिल रहा है वो डिजर्व करता है चाहे वो पाकिस्तान से कहीं से भी है पाकिस्तान में तो क्या है वो 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 भी तो हमारे से ही निकला है ना हाँ, हाँ, हमारा ही वो है तो बाकी क्या कि जो जहां पे ना, तो कदर ये जहाँ तक नीरज की बात के आ रहे हो, कर रहे है लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो मतलब की आप जिस तरीके से बोल रहे हो एक तो नीरज ने जीता पहले गोल्ड उसमें अर्शद नदीम टॉप थ्री में नहीं आया था पिछले वाला जो हुआ था राइट इस वाले ओलंपिक्स में अर्शद नदीम गोल्ड नीरज सिल्वर अब जो इसके बाद होने वाला है ना उसमें फिर आप बोल रहे हैं आपको लग रहा है अरशद ही फेवरेट होगा चाहे नीरज बिकॉज अभी तक नाइनटी नहीं फेंका देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, कि अगर इंजरी नहीं होती दोनों अगर, की अगर, अगर इंजरी नहीं होती तो अरशद ज्यादा फेंकेगा तो, क्योंकि अच्छा? नीरज क्योंकि नीरज अब तक नाइनटी टच नहीं कर किया है और क्या है कि वो उसने कॉमनवेल्थ में नाइन्टी टच कर दिया अब यहाँ पे, पे रिकॉर्ड बना दिया तो क्या है कि अगर या तो नीरज को बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट रखे कोच रखे छह छह मीटर कुछ कुछ, कुछ पांच छह मीटर ज्यादा फेंकना जब हाँ उसने मुझे बोला कि ऐसे बा, पाजी नाइनटी फाइव फेंकता हूँ तो मेरे लिए तो कोई उसने सीधा जाके तो वहां पे फेंका नहीं होगा हाँ, तो 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 पहले भी फेंक रहा होगा ना 95 शाम को तो तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्या है कि मेहनत होगी ना जैसे अब मान लो मेरी एज अब मैं 40 से हूँ 40 से ऊपर हूँ एज है अब मैं एमएमए करने जा रहा हूँ मैं ऐसे बेवकूफ तो हूं कि मैं सीधा जाकर वहाँ खड़ा हूंगा hmm. मैंने hmm. मेहनत की एक्सरसाइज की तभी तो मैं आ जाए खड़ा होगा ना hmm. अब चाहे कोई कुछ बोलेगा देखो बाहर से हम कुछ भी बोल सकते हैं नीरज ने अपना बेस्ट दिया है ये निर्णी निर्णी ने hmm. ने hmm. नहीं बेस्ट दिया नो no डाउट तो मगर मैं तो रिकॉर्ड देखे कह रहा हूँ मुझे लगता है कि नीरज नीरज बहुत टैलेंटेड है बहुत पोटेंशियल है नीरज भी हम्बल है अगर अगर वो कोई अपनी कुछ टेक्निक में सुधार कर पाए कुछ कर पाए तो नीरज हो सकता है नीरज उनको हरा दे नहीं तो तो से 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 मुझे मुझे लग लग रहा जी, से वो रहा है है वो वो रॉ टैलेंट बगैर मेहनत के हाँ, दो कदम दो कदम चलता फेंक देता है उनके इतना बड़ा है उसका तो उनके बारे, में था, की तरह। उनके बारे में मैंने पढ़ा था वो ना क्रिकेटर बनना चाहते थे वो बोलर थे अब वो भागते भी ऐसे ना एफर्टलेस बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल